नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल एनआरजे फाइनेंस पर। तो ये वीडियो पर्टिकुलरली डेडिकेटेड है बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी से रिलेटेड जो स्टॉक्स है हमारे पास, उन स्टॉक्स के बारे में हम लोग यहाँ डिस्कशन करेंगे। और ये जो हमारा व्यू रहने वाला है ये नेक्स्ट वीक के लिए है, यानी कि ट्यूजडे से जो मार्केट स्टार्ट होगा उसके बाद में हमें बैंक निफ्टी में क्या क्या सिचुएशन पॉसिबल सिचुएशंस हैं वो सारी चीजें यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले हम आते हैं बैंक निफ्टी से ही। अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी ऑलरेडी अपने बॉटम पर है, ऑलमोस्ट 17,100 का लो बनाया फ्राइडे को, राइट? फ्राइडे को लो बना इसमें 17,105 के आसपास में। और अगर आप देखोगे जो मार्च के मंथ में एक बहुत ही डाउन वाला सीन आया था, अचानक से लोअर सर्किट लग गया था वहां पर और मार्केट क्लोज की गई थी, एक घंटे के लिए सब होल्ड पे कर दिया गया था। तो उस टाइम पर इसने बैंक निफ्टी ने जो लो बनाया था वो था 16,330 का जो लेवल था उसको अचीव किया था, यानी 16,330। और अभी हम लोग कहां पर है, 17,100, यानी 17,100 के लेवल पे अभी हम लोग बैठे हैं। तो 700 पॉइंट्स अगर अभी हम लोग बोले कि जो बिल्कुल लो बनना है तो 700 पॉइंट्स अभी भी हैं नीचे जाने को। लेकिन एक चीज यहां पे हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते हैं वो ये है कि इस समय बैंकिंग सेक्टर और एनबीएफसी ओवरसोल्ड है, बैंक निफ्टी ओवरसोल्ड चल रहा है। अब यहां पे दो सिचुएशन हो सकती है। अगर पूरे मंथ देखिए एफआईआई ने क्या किया, केवल वो सोल्ड करता गया, सेल करता गया, सेल करता गया। अब हो सकता है कि जब यहां पर बॉटम बनता दिख रहा है बैंक निफ्टी का, या तो ट्यूसडे को, और मे बी बैंक निफ्टी जब 16,700-500 के आसपास आएगा उस लेवल से एक रिवर्सल दिख सकता है, एक फ्रेश बाइंग दिख सकती है बैंकिंग स्टॉक्स में और एनबीएफसी में। तो ये एक पॉसिबल सिनेरियो जो कि 60% पॉसिबल है, हो सकता है ये सिनेरियो आपको ट्यूसडे से ही देखने को मिल जाए। और मे बी अभी एक दो दिन बैंक निफ्टी और आपको नीचे आता दिख जाए, 16,500 या 16,700 के लेवल दिखे और उसके बाद से ये रिवर्स लेना स्टार्ट करेगा, यानी ऊपर की तरफ इस पे मूवमेंट दिख सकता है। ये तो था पहला सिनेरियो जिसके चांसेस 60% है। अब देखिए जब एक पॉजिटिव थिंग हम लोग सोच रहे हैं तो वहां पे हर एक चीज के दो पहलू होते हैं, राइट? हर सिक्के के दो पहलू। तो इसमें दूसरा पहलू निगेटिव वाला भी है दोस्तों। निगेटिव वाला तब रहेगा जब ये मार्च का लो टूटे, यानी 16,000 का लेवल के नीचे अगर बैंक निफ्टी क्लोज कर देगा जिस दिन, उस दिन एक एक्स्ट्रा एक ह्यूमन साइकोलॉजी जो होगी वो लोग धीरे धीरे बोलेंगे नहीं यार अब तो इतना गिर गया, अब तो और गिरेगा और गिरेगा। तो मोस्टली मैं बता दूं 60-70% जो रिटेलर्स है वो अपना बैंकिंग स्टॉक खाली करता जाएगा, अपने पोर्टफोलियो से निकालता जाएगा, और यही सही टाइम होगा जब बड़े लोग एक्यूमुलेट कर रहे होंगे। तो एक 60% पॉजिटिव आउटलुक है मेरा अभी ये करंट लेवल से, और 40% मुझे ये भी एक निगेटिव आउटलुक भी हम लोग साथ में लेकर के चलेंगे कि अगर 16,000 का लेवल ब्रेक कर देगा बैंक निफ्टी तो कहीं ना कहीं फ्रेश सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी, और वो फ्रेश सेलिंग बैंक निफ्टी को 15,000-14,000 तक इजिली लेकर के जाएगी। तो अगर आप देखो ये रहा हमारा 16,000 का लेवल, इसके बाद में अगर बिकवाली आती है 16,000 के नीचे तो ऑलमोस्ट आपको 15,000 से लेकर के 14,700 तक के लेवल बनते हुए दिख सकते हैं बैंक निफ्टी में। ये था मेरा बैंक निफ्टी के लिए मेरा पर्सनल व्यू। अब इस पे एक चीज मैं आप लोगों को और सजेस्ट करूंगा कि जब बैंक निफ्टी इतना नीचे चल रहा है तो बिल्कुल सेफ, देखिए कंजर्वेटिव इन्वेस्टर होता है जो कि बिल्कुल जब उसको 95% कन्विक्शन होता है कि नहीं भाई अब तो ये ऊपर जाना ही जाना है, वो उनको हम लोग बोलते हैं कंजर्वेटिव इन्वेस्टर। तो ऐसे में अगर जो लोग अपॉर्चुनिटी खोज रहे हैं और जिनको बिल्कुल 100% श्योर वाली अपॉर्चुनिटी चाहिए तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा बैंक निफ्टी बीज में जाकर के इन्वेस्टमेंट आप स्टार्ट कर सकते हो। जैसे निफ्टी बीज होता है वैसे बैंक निफ्टी बीज होता है। तो ये ETF है, इनको आप खरीद सकते हो, एज अ स्टॉक एक्युमुलेट कर सकते हो, तो ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा आपके लिए। और हाँ, यहाँ पे एक आपको होप जरूर रखनी पड़ेगी,
थी वो ये कि भरोसा रखो स्टॉक मार्केट इंडिया में रहेगा, ठीक है, इकोनॉमी इंडिया की आज नहीं तो कल इम्प्रूव करेगी, अगर ये सारी चीजों में भरोसा रखते हो तो नो डाउट स्टॉक मार्केट में निवेश करना आपके लिए अच्छा है, अगर भरोसा नहीं करते हो तो मत कीजिए, बहुत सीधी सी बात है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो था मेरा बैंक निफ्टी के लिए व्यू, और बैंक निफ्टी में अगर आपको सेफ इन्वेस्टमेंट करना है तो बैंक निफ्टी 20 जो होता है उस पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जितना नीचे आता जाए उतने में आप थोड़ा थोड़ा निवेश करते जाइए। अब चलिए स्टॉक्स उठाते हैं, कुछ बैंक निफ्टी के मेन स्टॉक्स उठाएंगे, तो SBI मेन तो नहीं है क्योंकि नो डाउट मेन जब कंट्रीब्यूशन की बात आती है तो HDFC, कोटक, ICICI ये टॉप 3 आते हैं, तो लेकिन हम लोग उठाएंगे SBI से क्योंकि SBI में कई लोगों को कई क्वेरीज होंगी, कई क्वेश्चंस होंगे, कुछ लोगों ने इसको एक्युमुलेट किया होगा 160 के लेवल पे, कुछ लोगों ने इसको एक्युमुलेट किया होगा मे बी 180-190 और कुछ लोगों ने 300 के लेवल में भी इसको ऐड करके रखा होगा, राइट। तो उनके लिए मैं बता दूं, जिनको अभी अपॉर्चुनिटी एक देखनी है, इन्वेस्ट करना है SBI में, खरीदना है, 150-150 का लेवल ऑलरेडी है और मैक्स टू मैक्स मुझे लग रहा है कि ये नीचे अगर आता भी है तो 147-146 के लेवल तक नीचे आना चाहिए और वहां से या तो रिवर्सल आपको मंगलवार यानी ट्यूसडे से ही दिख जाएगा SBI में, और अगर ट्यूसडे को ना दिखा तो थोड़ा बहुत नीचे ये और आपको 145-146 आता हुआ दिख सकता है। तो अगर आपने अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं किया है या फिर आपने 300 के लेवल पे इन्वेस्टमेंट किया था तब से नहीं किया है, एवरेज करने का प्लान हो, तो अगर आपके पास 100 SBI के स्टॉक्स हैं तो ये एक सही समय होगा जब आप इस पे 30-40 स्टॉक्स 150 के लेवल के बिलो में आप ऐड कर सकते हो, एवरेज कर सकते हो। अगर 100 स्टॉक्स पहले से रखे तो मैं ये नहीं कह रहा हूं 100 फिर से ले लो, 30-40 स्टॉक्स ऐड किए जा सकते हैं, ये मैं एक आपको रफ कैलकुलेशन बता रहा हूं, उसी हिसाब से आप अपना मैनेज कर सकते हो, यानी एक रिवर्सल का चांस रहेगा SBI में 145 के लेवल से या फिर 150 के लेवल से भी। तो अब देखते हैं ये चीज होती है कि नहीं होती है, ये मेरा पर्सनल व्यू है, चार्ट एनालिसिस जो बोलती है मैं वो आपको बोलता हूं। अब चलिए बात करते हैं HDFC बैंक में, HDFC बैंक में भी दोस्तों सेम सिचुएशन है, और हम लोग जान रहे इस समय 3 मंथ्स का जो एक और मोनिटोरियम आ गया है, लोन लोग बाद में EMI भर सकते हैं 3 महीने तक, उनपे कोई कंपल्सन नहीं रहेगा, और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी अब थोड़ा बैंक्स को NBFCs को सब गारंटी के साथ प्रेशराइज करेगी कि आप लोग लोन बांटो MSMEs को या फिर लोकल छोटे छोटे कारोबारी जो है, तो एक कहीं ना कहीं देखिए लोन अमाउंट बढ़ता जाएगा, वो वापस आता ही नहीं आता और उसकी गारंटी सरकार ने ली है तो वो पूरी होगी कि नहीं होगी, ऐसे में कंजर्वेटिव इन्वेस्टर थोड़ा दूर रहेगा बैंकिंग स्टॉक से, नो डाउट। लेकिन जो लोग इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं और जब उनको कोई स्टॉक ऑलमोस्ट जब वो 1200 के ऊपर रहता था और ऑलमोस्ट 60% के लेवल पे अवेलेबल है तो लोग डेफिनेटली ट्राई करेंगे इसको एक्युमुलेट करने का। तो HDFC बैंक की जब बात करें, इसका देखिए 815 से लेकर के 820 के आसपास में सपोर्ट बनता है, करंट मार्केट प्राइस 838 है, ठीक है, और इसके नीचे भी अगर ये आता है 830 के नीचे तो थोड़ा थोड़ा अगर कोई एक्युमुलेट भी करता है तो बुरा नहीं है। देखिए हाँ, स्टॉप लॉस जरूर रखना अपना, स्टॉप लॉस अगर किसी को देखिए शॉर्ट टर्म के लिए रखना है तो ऑलमोस्ट आप 800 का स्टॉप लॉस लेकर के चलो, थोड़ा आपको लगता है कि नहीं मुझे मतलब अगर नीचे जाता मैं निकल जाऊंगा फिर री एंट्री नहीं करनी जिनको, उनके लिए स्टॉप लॉस 740 का रहेगा। तो अभी लोवेस्ट जो वर्स्ट सिनेरियो आया था HDFC बैंक में डाउन आया था वो 740 का था, तो अगर इसके नीचे ब्रेक करता है तो फिर आप निकल जाओ, अदरवाइज अगर आप इसको 800 के नीचे भी कहीं एक्युमुलेट कर रहे हो तो कर सकते हो और इस पे भी निवेश किया जा सकता है। मैं उसी हिसाब से आपको बताऊंगा जिस हिसाब से बैंकिंग परफॉर्मेंस चल रही है, जिस हिसाब से मैंने इसमें कोई भी गलत शेयर नहीं उठाया है, सारे फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर है, और अगर जब बैंकिंग सेक्टर अब ऑलरेडी ओवरसोल्ड है तो जब यहां पर रिकवरी अगर देखने को मिलेगी तो यही वो स्टॉक्स हैं दोस्तों जो सबसे पहले उड़ेंगे। तो HDFC पे भी नजर रखिए, करंट मार्केट प्राइस पे भी आप इसको ऐड कर सकते हो या फिर थोड़ा डिप जाए डाउन जाए तब भी आप इसको ऐड कर सकते हो, इसका स्टॉप लॉस जो रहेगा 740 का एक परफेक्ट स्टॉप लॉस रहेगा, और अगर 740 ब्रेक कर देता है HDFC तो हो सकता है आपको फिर से नई संभावनाएं मिलेंगी इसको ऐड करने में 700 के नीचे के लेवल्स में। फिर नेक्स्ट स्टॉक उठाएंगे कोटक बैंक, अब कोटक बैंक को भी आप देख रहे हो कुछ नहीं छिपा हुआ,
यहाँ भी ऑलमोस्ट जो एक बार बार सपोर्ट बनता है, ऑलमोस्ट देखिए 1110 या 1100 के लेवल से आकर के ऊपर उछल जाता है कोटक बैंक। अभी लास्ट डे फ्राइडे की बात कर लो तो लो जो बनाया इसने 1116 का लो बनाया और उसके बाद में इसकी क्लोजिंग 1160 की है, तो आप यहां से अंदाजा लगा सकते हो कि कहीं ना कहीं कोटक बैंक में भी जब 1120 के नीचे लेवल आता है, 1140 1120 के नीचे आता है तो इस पे खरीदारी चालू हो जाती है, लोग इसको बाई करने लगते हैं। अभी इस पे चांस बने रहेंगे और ये एक सही एक्युमुलेशन जोन है, 1100 का स्टॉप लॉस लगाइए और इसको लोग जो होल्ड कर रहे हैं कीजिए, और जिनको फ्रेश एंट्री लेनी वो कर सकते हैं 1100 के लेवल के आसपास में, 1100 का स्टॉप लॉस लीजिए, 1120 1130 के आसपास मिलता है तो आप ऐड कर सकते हो स्टॉक को। ऊपर की तरफ इसकी संभावनाएं जो देखिए आगे मिल रही है वो 1200 प्लस की रहेंगी, मैं फिलहाल आपको इसमें इतना ही बता सकता हूं। अब नेक्स्ट स्टॉक रहेगा ICICI बैंक 290 के लेवल पे आ गया, जिन्होंने ऐड कर लिया है अच्छी बात है, थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ में देखिए इसको होल्ड कीजिए, ज्यादा इसमें घबराने की जरूरत नहीं है और होल्ड रखिए। और सेम सिनेरियो एक्सिस बैंक का है, 330 के लेवल के नीचे जिन्होंने ऐड कर लिया एक्सिस बैंक को, इसको रखो, या फिर 330 या करंट मार्केट प्राइस उसका 338 है एक्सिस बैंक का, तो उसपे भी अगर आपको करना है निवेश थोड़ा सा निवेश कर लीजिए, कहीं ना कहीं जब रिकवरी आएगी तो ये सारे स्टॉक्स बहुत तेजी से ऊपर की तरफ जाएंगे। मैं इसमें एक भी स्टॉक को गलत नहीं बोलूंगा कि नहीं उस पे निवेश मत कीजिए, अगर आपका करने का मन है, आप कहीं ना कहीं बैंकिंग सेक्टर में निवेश करना चाहते हो तो ये स्टॉक्स आपके लिए बेस्ट चॉइस होंगे। ICICI बैंक हो गया, SBI हो गया, ये तो दोनों स्टॉक सस्ते में हो गए, जिनको थोड़ा महंगे स्टॉक्स भी चाहिए 700-800 के ऊपर वाले तो कोटक बैंक हो गया, HDFC बैंक हो गया, तो इन पे थोड़ा नजर रखिए। अब NBFC में केवल एक स्टॉक उठाऊंगा, बजाज फाइनेंस, क्योंकि इस पे बहुत क्वेरी रहती है। तो दोस्तों इसका जो एक अभी भी एक सपोर्ट देखिए बना हुआ है, ऑलमोस्ट 1800 का सपोर्ट है, 1800 का सपोर्ट अगर ये ब्रेक कर देता है, बजाज फाइनेंस अगर 1800 का सपोर्ट ब्रेक कर देता है तो फिर इसमें नेक्स्ट सपोर्ट जो आएगा वो आएगा ऑलमोस्ट 1580 के आसपास में, 1580 के आसपास का नेक्स्ट सपोर्ट आएगा। तो अब ये आपको डिसाइड करना है, अगर देखिए 1850, चूंकि इसका नेक्स्ट सपोर्ट 1800 का है तो 1850 या 1870 के नीचे आता है, इसमें एग्जिट कर सकते हो, फिर से जब 1800 के लेवल पे आ जाए तो एंट्री बना सकते हो। अदरवाइज आप लॉन्ग टर्म से होल्ड कर रहे हो, थोड़े बड़े प्राइस में खरीदा था तो इसको होल्ड रखिए, इसका सही समय भी आएगा बजाज फाइनेंस का। और मेरा मानना है कि अगर ये देखिए 1800 के नीचे मिलता है तो बजाज फाइनेंस भी एक सही चॉइस होगी एक्यूमुलेट करने की, मगर हर सही चॉइस में देखिए रिस्क जरूर होता है, तो स्टॉप लॉस आप बिल्कुल रखेंगे। और अगर 1800 के लेवल में एक्यूमुलेट करते हो तो 1600 का, एटलीस्ट 1600 का आप एक सेफ स्टॉप लॉस रख सकते हो, ये चीज आपको ध्यान देनी है। और मैं तो बोलूंगा अगर 1800 का लेवल ब्रेक करता है तो कहीं ना कहीं 1780 यानी 1780 का भी स्टॉप लॉस रखा जा सकता है, जो लोग फ्रेश एंट्री बना रहे हैं 1800 के लेवल पे उनके लिए। तो दोस्तों ये था मेरा व्यू, पर्सनल व्यू बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी स्टॉक्स में, साथ में NBFCs में। वीडियो दोस्तों पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और शेयर कर दीजिएगा और साथ में सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि जो भी नए वीडियो होंगे, अपडेटेड वीडियो होंगे, आपको सही टाइम पर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इसके साथ में अगर आपको एंजल ब्रोकिंग ग्रुप ज्वाइन करना है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है फ्री में, दैट विल बी कंप्लीटली फ्री, और मैं यहां पर चार्ट एनालिसिस, स्टॉक एनालिसिस, वेबिनार्स, ट्रेनिंग मटेरियल्स या जो भी लर्निंग्स होती है हमारे ट्रेड्स में, सारी चीजें मैं फ्री में शेयर करता रहता हूं। तो यहां से भी और साथ में पोर्टफोलियो से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है, आप यहां ग्रुप में आकर के मुझसे पूछ सकते हो, पर्सनली सारा असिस्टेंस आपको मिलेगा। आपको करना यही है कि फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करना है, मेरा रेफरल लिंक यूज करके एक बार अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर लेते हो उसके बाद में आप मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हो, मैं आपको ऐड कर लूंगा। और जब चार्जेस की बात आती है ब्रोकरेज की, तो नो डाउट सेम जीरोधा स्टॉक जैसा इसका ब्रोकरेज है, मार्जिन थोड़ा ऊपर नीचे जरूर हो सकता है। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही, हैप्पी वीकेंड, हैप्पी ट्रेडिंग।